नमस्कार, वेलकम टू योर ऑन यूट्यूब चैनल ASR SSC गुरु। रेलवे की तरफ से रेलवे ग्रुप डी का ऑफिशियली आंसर की जारी कर दिया गया है। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंटों ने अपना ऑफिशियली आंसर की चेक कर लिया होगा, और जो भी स्टूडेंट नहीं देखे होंगे उसका डायरेक्टली लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ से आप अपना ऑफिशियली आंसर की चेक करके अपना मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि रेलवे ग्रुप डी में क्या इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन आपका होगा। यही टॉपिक पर आज बात करने वाला कि कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है रेलवे की तरफ से किसी भी एग्जाम को लेकर के, चाहे आपका रेलवे ALP हो या RPF हो। दोस्तों रेलवे के सभी एग्जाम में आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलता है, तो कैसे नॉर्मलाइजेशन किया जाता है आज इस वीडियो में बात करेंगे कि हमारा मार्क्स कैसे बढ़ेगा या फिर हमारा मार्क्स कैसे कुछ कम हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन के बाद, सब कुछ यहाँ बात करेंगे। बिल्कुल यहाँ पर जोन वाइज बताने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी की पल पल की खबर अपने चैनल पर प्रोवाइड कराते रहते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है, इन्फॉर्मेशन पसंद आता है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। आप एक एक लाइक से हमें पॉजिटिव एनर्जी मिलता है। आपको सबसे पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ये बता देना चाहते हैं दोस्तों कि मिनिमम कटअप कितना चाहिए आपका रेलवे ग्रुप डी का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम नॉमिनेशन पे भी बात करेंगे और कैसे किया जाता है नॉमिनेशन ये भी बात करेंगे। देखिए मिनिमम जो रेलवे की तरफ से स्टार्टिंग में ही आपको ऑफिशियली नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दिया गया था कि अगर आप जनरल का स्टूडेंट होंगे तो 40% आपका मार्क्स कम से कम होना चाहिए, और 100 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर था, यानी कि 40 नंबर आपका मार्क्स अगर आपका रहेगा तभी आप योग्य होंगे PET में जाने के लिए। और कटअप क्या जाएगा ये डिपेंड पड़ेगा दोस्तों स्टूडेंटों के मार्क्स के ऊपर, लेकिन कम से कम आपको ये बाउंड्री पार करना पड़ेगा 40 नंबर ला करके, तभी आप Level 1 क्वालिफाई के स्टूडेंट के गिनती में आ पाएंगे दोस्तों। यहीं अगर OBC SC ST की बात करें तो 30 नंबर यानी कि 30% मार्क्स अगर आपका आएगा तभी आप सोचना कि हम यहाँ पे Level 2 यानी कि CBT 2 में जाने के लिए योग हैं, और यहाँ पर हम रेलवे ग्रुप डी की बात कर रहे हैं, यानी कि PET में उनका ही सिलेक्शन होगा जो इस बाउंड्री को पार करेंगे। उसके बाद कटअप क्या आ जाएगा वो डिपेंड पड़ेगा स्टूडेंटों के मार्क्स के ऊपर, जोन वाइज किया जाएगा, ठीक है, वो डिपेंड पड़ेगा आपका नॉमिनेशन मार्क्स के ऊपर, लेकिन इतना मार्क्स आपका कम से कम चाहिए, ठीक है, जनरल और OBC ST की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दोस्तों। तो ठीक है, ये एक ऑफिशियली है, आप इसको अपने माइंड में रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये नॉर्मलाइजेशन मार्क्स निकालने का यहाँ पे आपका एक फार्मूला है, यहाँ पे आप सिंपली ये फार्मूला का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं दोस्तों, ताकि आप खुद से भी चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ। यहाँ पे देख सकते हैं एवरेज ऑफ 0.1 टॉपर, एवरेज ऑफ ऑल कैंडिडेट, एवरेज ऑफ 0.1 टॉपर, यहाँ पे शिफ्ट वाइज आप देख सकते हैं एवरेज ऑफ ऑल कैंडिडेट शिफ्ट वाइज, उसके बाद रॉ मार्क्स, उसके बाद एवरेज ऑफ यहाँ पे ऑल स्टूडेंट। तो इस तरह से एक फार्मूला आपका है, और यही सब चीज़ों को यहाँ पर अगर हम देखें मैथमेटिकली तो आपका ये फार्मूला दोस्तों यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इस फार्मूले में क्या क्या चीज़ों को क्या क्या वैल्यू है, तो यहाँ पर आप ये सब कुछ देख सकते हैं, क्लियरली सब कुछ आपके लिए लिखा गया। इसका डायरेक्टली हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे, या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से हम आपको ये चीज़ भेज देंगे, ताकि आप भी समझ पाओ अच्छे से कि आखिर नॉर्मलाइजेशन कैसे किया जाता है रेलवे ग्रुप डी में। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जरूर ज्वाइन करना दोस्तों, टेलीग्राम पे हम नए हैं तो आप लोग जल्दी से जुड़ जाइए, वहाँ पर भी फास्ट अपडेट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले कि जो नॉर्मलाइजेशन होता है तो आखिर उसमें नंबर बढ़ेगा या घटेगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस आपका रहता है कि आपका मार्क्स बढ़ जाएगा, जैसे कि एग्जांपल लेकर के मैंने आपको यहाँ पे एक आपको समझाया है, यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आपका 60 मार्क्स था तो अगर ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पर आपका मार्क्स 70 हो गया नॉर्मलाइजेशन के बाद, यानी कि 10 मार्क्स आपका यहाँ पर प्लस हो गया दोस्तों। तो 10 मार्क्स तक आपका यहाँ पर प्लस हो सकता है, तो हो सकता है कि आपका कुछ मार्क्स घट भी जाए। घटने का रीज़न क्या होगा कि देखो, अगर रेलवे की तरफ से आपके शिफ्ट में आपके यहाँ पे कोई क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया, सपोज दैट 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन इग्नोर कर दिए गए, तो अब यहाँ पे आपका 97 में ही दोस्तों कैलकुलेट होगा। आप ऐसा मत समझना कि इसका कुछ आपको बोनस मिलने वाला नहीं, इसके अनुसार ही आपको नॉर्मलाइजेशन मार्क्स यहाँ पे बताया जाएगा सब शिफ्टों का और सब कुछ देख करके दोस्तों, ठीक है। तो ऐसा मत समझना आप कि यहाँ पे 3 मार्क्स जो इग्नोर किया गया इसका मुझे बोनस मिलेगा, ऐसा कुछ आपको नहीं मिलने वाला है। तो यही मार्क्स पे ही आपका पूरा कैलकुलेट हो जाएगा दोस्तों। तो यही से नॉर्मलाइजेशन किया जाता है रेलवे की तरफ से, ठीक है, ताकि उन स्टूडेंटों के लिए यहाँ पे दोस्तों अच्छा हो पाए जिनका हो सकता है पेपर टप आने के कारण एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का ये फार्मूला यूज़ किया जाता है रेलवे की तरफ से, और मैक्सिमम चांस रहता है कि आपका यहाँ पर मार्क्स इंक्रीज हो जाए, और कुछ रेयर केस में यहाँ पर आपका मार्क्स कम होते दिखता है दोस्तों, ठीक है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो देखिए यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला मैंने बताया है, आप यहाँ पे खुद भी एग्जांपल लेकर के चीज़ों को समझ सकते हैं अच्छे से, और डायरेक्टली यहाँ पे आप इसका PDF ले लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन होकर के, ताकि आपको यहाँ पे हिंदी में सब कुछ क्लियरली समझाया गया है और आप भी अच्छे से समझ पाओ दोस्तों, ठीक है।
यहाँ पे हम बात करते हैं थोड़ा सा कि आपका जो जोन वाइज कटअप क्या जाएगा, ठीक है। तो जोन वाइज कटअप अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, इस तरह से मैंने आपको चीज़ें प्रोवाइड कराया दोस्तों अपने चैनल पे। तो इसका डायरेक्टली हम आपको वीडियो का लिंक प्रोवाइड कर रहे बॉक्स में, वहाँ से आप इस चीज़ों को रीड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइन हो जाइए, यहाँ पे हम आपको ये प्रोवाइड करा देंगे दोस्तों। और ये 100% सही है, और अगर इतने के बीच में अगर आपका मार्क्स है तो आपका दोस्तों सिलेक्शन PET के लिए हो जाएगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही रेलवे ग्रुप डी से जुड़े पल पल की खबर आपको प्रोवाइड कराते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।